नमस्कार दर्शक बंधु आपंक एम टू जब्रे स्वागत। तो फ्रेंड्स आज भिडियोटी रही है जमीक आप थमनेल देखिक जाणी सारी देखूँ आपंकर वर्तमान ओ ट्रिपल एस सी द्वारा एग्जाम टी कंडक्ट कर स्टाटिस्टिकल फील्ड सर्वर एवं एआरआई आमीन फॉरेस्ट गार्ड एवं एक्सरसाइज कनेस्टेबल रे ऑनलाइन आवेदन तो आरंभ हो जाइछि। आपण नेट पार्लर को जाइकि ऑनलाइन आवेदन करिनेबे। तो बहुत स्टूडेंट को डाउट रहुथिला जे आपणकर सैलरी केते रहिबो, स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वर रे सैलरी केते रहिबो, एआरआई रे सैलरी केते रहिबो, आमीन रे सैलरी केते रहिबो, फॉरेस्ट गार्ड रे सैलरी केते रहिबो एवं एक्सरसाइज कनेस्टेबल रे आपणकर केते सैलरी रहिबो। तो फ्रेंड्स देखंतु संपूर्ण भाबरे डिटेल्स जणेबी। आज रो ए वीडियो को जदि आपण संपूर्ण भाबरे देखि देबे ताहाले आपणकु केबे भी लाइफ रे डाउट हबो नाही जे ओडिसा गवर्नमेंट रे ग्रुप सी पोस्ट रे केते टंका दरमा मिली थाए। ए जो जेतक भी वैकेंसी रहउची स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वर हो बा एआरआई हो बा आमीन हो फॉरेस्ट गार्ड हो जत्ते भी आपनकर वैकेंसी रहउची ए सब वैकेंसी होउची ग्रुप सी पोस्ट। तो ग्रुप सी पोस्ट सबुरे सेम ही थाए। तो केते कोन सैलरी रहइबो, परमानेंट ना कॉन्ट्रैक्चुअल ना कोन, संपूर्ण भाबरे डिटेल्स जणेबी। प्रथम मासरु दरमा केते रहइबो आगामी डेट रे जेतेला आपनकर 6 मास वर्षे 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष हेइजबो आपणकर सैलरी केते मिलिबो संपूर्ण भाबरे डिटेल्स जणेबी। फ्रेंड्स वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। तो फ्रेंड्स देखंतु आपणकर प्रथमे रहिछि स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वर रे आपणकर प्रथम मासुरु दरमा रहिबो 8750 टंका। ए जो पांचटी जाक वैकेंसी रहिछि फ्रेंड्स, ए पांचटी जाक ओडिसा गवर्नमेंट जॉब रहुछि सेति पई प्रथमे 6 वर्ष कॉन्ट्रैक्चुअल रहिबो, 6 वर्ष परे आपणकर आपे ही परमानेंट हेइजबो। तो फ्रेंड्स देखंतु स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वर रे प्रथम मासुरु दरमा रहिबो 8750 टंका। तापर केमिति बढ़िबो ताहा मध्यम मु आपनकु डिटेल्स जणेबी। तापर फ्रेंड्स देखंतु एआरआई जहाँ कि असिस्टेंट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर रे प्रथम मासुरु दरमा रहिबो 8880 टंका, आमीन रे रहिबो 8750 टंका, फॉरेस्ट गार्ड रे रहिबो 8880 टंका, तापर एक्सरसाइज कनेस्टेबल रे रहिबो आपनकर 8880 टंका दरमा रहिबो। तापर फ्रेंड्स देखंतु आपनकर कोन होबो ना, एहा तो कॉन्ट्रैक्चुअल रहिबो 6 वर्ष पर्यंत, 6 वर्ष भितरे आपणकर कौनसी टीए मिलिबनी कि डीए मिलिबनी किंबा डियरलेस अलाउंस मध्ये मिलिबनी, कौनसी टीए डीए एचआर मिलिबना, कौनसी फैसिलिटी मिलिबना। सिंपल आपण जत्ते घंटा जदि एक्स्ट्रा भी ड्यूटी करुछंती ताहले भी मध्ये आपणकु एतिकी टंका ही आपणकर फिक्स रहिबो 6 वर्ष पर्यंत। तापर कोन होबो ना फ्रेंड्स देखंतु प्रथम मासुरु तो एतिकी एतिकी दरमा मिलिबो, कोन होबो ना 6 वर्ष पर्यंत प्रत्येक वर्ष 10% इनक्रीजमेंट होबो। अर्थात देखंतु ए जगह रे मु एग्जांपल नै जेबी फॉरेस्ट गार्ड रो, फॉरेस्ट गार्ड रो प्रथम मासुरु दरमा केते रहिबो 8880 टंका प्रथम मासुरु दरमा रहिबो। तो ए जगह रे कोन होबो ना गोटिए वर्ष पर्यंत आपनकु 8880 टंका दरमा मिलिबो, सेकंड वर्ष आपनकर कोन होबो ना 10% सैलरी इनक्रीजमेंट होबो। अर्थात देखंतु 10% इनक्रीजमेंट होबो आपनकर 8880 टंका रो 10% केते रहुछि 888 टंका 10% रहुछि। अर्थात सेकेंड वर्ष आपणकु 9760 टंका आपणकु सैलरी मिलिबो। पुणी सेही परिका थर्ड वर्ष आपणकु 10% इनक्रीजमेंट होबो, अर्थात 9760 रो 10% इनक्रीजमेंट होबो, अर्थात पुणी आपणकर बढ़ी जिवो 976 टंका सैलरी बढ़िजिवो। अर्थात आपणकर थर्ड वर्ष 10736 टंका सैलरी मिलिबो, पुणी 10% बढ़िजिवो। अर्थात चतुर्थ वर्ष आपणकु 11809 टंका सैलरी मिलिबो, पुणी आपणकर फिफ्थ इयर पंचम वर्ष आपणकर सैलरी रहिबो 12999 टंका। तापर षष्ठ वर्ष रहिबो पुणी 10% बढ़िजिवो जहाँ कि 6 नंबर वर्ष को आपण सैलरी पाउथिबे 14287 टंका। 6 वर्ष परे जेमिति 6 वर्ष हो जाउची ता पर मासठू आपणकर लागू होइजबो सैलरी बढ़िजिवो। जमती कि फॉरेस्ट गार्ड रे आपणकर बेसिक सैलरी रहिबो 19000 टंका, 6 वर्ष परे बेसिक सैलरी होइजबो 19000 टंका। तापर आपणकर टीए डीए एचआर इनक्लूड हबो, टीए डीए एचआर मध्ये मिलिबो आपणकर बेसिक सैलरी तो 19000 टंका रहिबो, ता सहित टीए डीए एचआर इनक्लूड हेकि 8-10000 टंका एक्स्ट्रा मिलिबो। अर्थात देखंतु बेसिक सैलरी 19000 टंका ता सहित टीए डीए एचआर इनक्लूड जदि हे जाउची मिनिमम 8000 टंका भी भावंतु, जदि 8000 टंका भी जदि आपणकर इनक्लूड होउची ताहाले आपणकर ए जगह रे सैलरी केते हे जाउची 27000 टंका 6 वर्ष परे आपण पाइबे। तापर आपणकर 6 वर्ष परे परमानेंट हे जिवो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड सरी जिवो परमानेंट होई गेले आपण 27000 टंका पाइबे। सेई परगा जते भी वैकेंसी रहिची सबु वैकेंसी रे आमो ओडिसा गवर्नमेंट रो ग्रुप सी पोस्ट रे एमिति ही आपणकर 10% इनक्रीजमेंट हुए। तापर एकाथरे 6 वर्ष परे सीधा सळको आपणकर लेवल 4 अनुजाई लेवल 3 अनुजाई आपणकर एई परगा सैलरी बढ़ी कि
TADA HR ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ତାପରେ କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ, ତାପରେ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଲେରୀ କେମିତି ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ୍ ସରିଯିବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବେସିକ୍ ସେଲେରୀ ଯେଉଁ 19,000 ରହିଛି 19,000 ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁ ମୁଁ TADA HR 8,000 କହିଲି ସେ 8,000 ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ TADA HR ସେମ୍ ହିଁ ରହିଥାଏ, ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଥାଏ, ସେମ୍ ରହିଥାଏ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ମିଳିଥାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବି ସେତେ ମିଳିଥାଏ, କେତେବେଳେ 8,000 ଥାଏ ତ କେତେବେଳେ 10,000 ଥାଏ, କେତେବେଳେ 9,000 ଥାଏ, ଏପରିକା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ରହିଲା 19,000 ଟଙ୍କା, ସେଇ 19,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 3% ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, 19,000 3% ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 19,000 3% ହେଉଛି 570 ଟଙ୍କା, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଲେରୀରେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ 570 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ମିଳିବ। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ନା ତା ପର ବର୍ଷ 19,570 3% ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 587 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଲେରୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ତଥାପି ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ମେସେଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ସତରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।